बिहार में पुल निर्माण भी दिल्ली के शराब घोटाले का ही एक्सटेंशन है। सबसे पहले सीबीआई की जांच सौंपी जाए, यह जदयू राजद पोषित संगठित अपराध है। बिहार का चारा घोटाला जब 1,000 करोड़ का था, जिसमें लालू यादव मुजरिम बनी, लेकिन 1,750 करोड़ के पुल घोटाले पर नीतीश कुमार को केवल दुख होता है। क्यों नहीं इसकी सीबीआई से जांच करा रहे? पिछले 20 सालों में बिहार से एक भी बड़ी ठीका कंस्ट्रक्शन कंपनी आगे क्यों नहीं बढ़ी? लाखों करोड़ों को काम, लेकिन एक भी कंपनी नहीं बन पाई। बिहार के राजनेता और अफसर ने किसी को पढ़ने नहीं दिया, ठेका सिर्फ बाहर की कंपनियों को पेटी, कॉन्ट्रैक्ट बिहार वालों को और कमीशन नेता अफसरों को। यही तो 33 साल से चल रहा है, यही तो दास्तान है। बिहार के बर्बादी का बड़े महानायक के रूप में नीतीश कुमार और श्रीमान लालू प्रसाद यादव जाने जाएंगे। जी हाँ, ऐसा कह रहे हैं विजय कुमार सिन्हा, नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा जो है वह लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को रडार पर ले रहे हैं। वह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से 1,750 करोड़ का पुल घोटाला किया है और उनके भ्रष्टाचार के कारण, उनमें व्याप्त भ्रष्टाचारियों के कारण जो पुल बिहार में गिरी है, और ठीक उसी प्रकार लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाला करके 1,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया था, तो साफ तौर पे विजय कुमार सिन्हा कह रहे हैं कि बिहार के ये दो महानायक जो हैं वह घोटालों में संलिप्त हैं, घोटालों में लगे हुए हैं। तो पहले क्या कुछ कह रहे हैं विजय कुमार सिन्हा, पहले आप इस वीडियो में देखिए। बिहार के बर्बादी का बड़े महानायक के रूप में श्रीमान नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जाने जाएंगे। बिहार का चारा घोटाला जब 1,000 करोड़ का था, जिसमें लालू यादव मुजरिम बनी, लेकिन 1,750 करोड़ के पुल घोटाले पर नीतीश कुमार को केवल दुख होता है। क्यों नहीं इसकी सीबीआई से जांच करा रहे? नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने पुल हादसे पर न्यायिक जांच के आदेश क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि यह तकनीकी और वित्तीय निविदा सर्दे जांच के घेरे में आती है, जो जदयू राजद का पोषित संगठित अपराध उजागर हो जाएगा। पिछले 20 सालों में बिहार से एक भी बड़ी ठीका कंस्ट्रक्शन कंपनी आगे क्यों नहीं बढ़ी? लाखों करोड़ों को काम, लेकिन एक भी कंपनी नहीं बन पाई। सरदार सरोवर योजना से दर्जन कंपनी गुजरात में बनी, आज पूरे भारत में काम कर रही है। मध्य प्रदेश में दिलीप बिल्डकॉन जैसी कंपनी बनी, महाराष्ट्र आंध्रा में सैकड़ों कंपनी बनी, लेकिन बिहार में सुन, क्योंकि बिहार के लोगों को नहीं काम देते हैं, क्योंकि इनके पाप, इनके भ्रष्टाचार उजागर होती। बिहार के राजनेता और अफसर ने किसी को पढ़ने नहीं दिया, ठेका सिर्फ बाहर की कंपनियों को पेटी, कॉन्ट्रैक्ट बिहार वालों को और कमीशन नेता अफसरों को। यही तो 33 साल से चल रहा है, यही तो दास्तान है। वर्क डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ कमीशन खोरी की प्रथा के कारण उनके तकनीकी पदाधिकारी सही जांच नहीं कर पा रहे। पुल निर्माण मामले में पिछले कई साल से हो रही धांधली की जांच हो, इस निगम के अध्यक्ष हमेशा से मुख्यमंत्री के चहेते रहे हैं, और सबका एक सूत्री कार्यक्रम, पार्टी के लिए फंडिंग क्रिएट करना, पार्टी के लिए पैसा जुटाना, उच्च स्तर पर कमीशन खोरी की व्यवस्था बनी हुई है। बिहार में पुल निर्माण भी दिल्ली के शराब घोटाले का ही एक्सटेंशन है। सबसे पहले सीबीआई की जांच सौंपी जाए, यह जदयू राजद पोषित संगठित अपराध है और कुछ नहीं, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस इनकी बेईमानी है। सरकार कुछ खास अधिकारियों को अत्यंत महत्वपूर्ण विभागों को जिम्मेवारी दिए हुए हैं, जिसके कारण कार्य कुशलता प्रभावित हो रही है और जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा पानी में बह रहा है। जैसा कि आपने खगड़िया सुल्तानगंज के पुल में देखा, 1,700 करोड़ पानी में बह गया। इस पर सरकार लिपापोती नहीं करे, क्योंकि पुल कई बार ध्वस्त हो चुका है और उसका रिपोर्ट भी आपने सार्वजनिक नहीं किया, न सभा पटल पर रखा। अब सरकार प्रधान सचिव सहित तमाम अधिकारी एवं कार्य एजेंसियों पर प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टीज एक्ट 1984 एवं IPC के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई प्रारंभ करे। अथॉरिटी इंजीनियर जिसने डिजाइन किया है ब्लैक लिस्टेड करे, उसकी संपत्ति जब्त करे और सरकारी पदाधिकारी की संपत्ति की भी जांच करे। सरकार CBI से जांच कराए, तभी माना जाएगा कि इस भ्रष्टाचार में। तो दोस्तों, आपने देखा किस प्रकार नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जो है लालू और नीतीश को रडार पर ले रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार में पुल गिर जाता है पर अभी तक इसका CBI जांच नहीं हो पाया है, इसके CBI जांच के आदेश सरकार ने नहीं दिए हैं।
साफ तौर पे विजय सिन्हा जो हैं वह बिहार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। वह कह रहे हैं कि बिहार सरकार की संलिप्तता जो है इसमें है, जिसके वजह से बिहार सरकार जो है वह सीबीआई जांच के आदेश नहीं दे रही है, सीबीआई जांच की मांग नहीं कर रही है। आपको बता दें कि विजय सिन्हा जो है वह यह भी कह रहे हैं कि बिहार में पुल गिर जाता है पर ये लोग मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। साथ ही साथ वो यह भी कह रहे हैं कि बिहार में जिस प्रकार कंस्ट्रक्शन कंपनियों को काम दिया जाता है और उनसे जो है मोटी रकम वसूली जाती है, उनसे जो है पैसे वसूले जाते हैं, चुनाव के फंड में पैसे वसूले जाते हैं, साथ ही साथ और सरकार की सीधी जो है सीधा तार जो है इन लोगों से जुड़ा होता है, इसीलिए सरकार सीबीआई की जांच करवाने की मांग नहीं कर रही है, सीबीआई जांच नहीं होने देना चाह रही है। साथ ही साथ विजय सिन्हा यह भी कह रहे हैं कि जिस प्रकार कंपनियों के द्वारा जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं वो गुजरात का भी जिक्र करते हैं, साथ ही साथ बिहार का भी जिक्र करते हैं कि उन कंपनियों को टेंडर दे दिया जाता है, ठेका दे दिया जाता है पुल बनाने के लिए, जो पहले से इन चीज़ों में फंसे हुए हैं, पहले उनके कारण पहले भी बिहार में पुल गिर चुका है और फिर उसी कंपनी को फिर से वह काम प्रदान कर देना कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को उजागर करता है। विजय सिन्हा जीरो टॉलरेंस की बात भी कर रहे हैं, वह कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस पर जो है भ्रष्टाचार प्रभावी है, भ्रष्टाचार जो है जीरो टॉलरेंस की जो बात है उसकी सच्चाई कुछ और है। तो आप विजय कुमार सिन्हा का बयान आपने सुना और जिस प्रकार बिहार में पुल गिरने की दोबारा घटना हुई है और साथ ही साथ इस पर सियासत शुरू है, सियासत चालू है, इसके विषय में आपके क्या विचार हैं आप भी हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहे द बिहार टॉप, धन्यवाद।